नमस्ते सोनू भाई जय हो सलाम विजय भाई प्रणाम आयुष सती प्रणाम अजय भाई सलाम किशोरी भाई नमस्कार साथियों हमारा तहसील पर चल रहा धरना आज भी जारी रहा और कल के मुकाबले आज भी काफी संख्या में लोग थे आ, लगभग जो हमारे रजिस्टर में दस्तखत हुए हैं वही दो के लगभग लोगों ने हस्ताक्षर किया और उसके अलावा भी काफी लोग इधर उधर थे तो लगभग तीन सौ सवा तीन सौ लोग आज भी धरने पर मौजूद थे और लगातार ये संख्या बनी हुई है तीन सौ साढ़े तीन सौ के बीच में लोग लगातार वहाँ पहुँच रहे हैं और कल के जो भाजपा अध्यक्ष के बयान के को लेकर के आज भी गहमा गहमी बनी रही और लोगों में उसको लेकर के आज भी चर्चा थी आक्रोश था भले ही आज उस पूरे माहौल को और भी हवा दे दी स्थानीय भाजपा के लोगों ने और उन्होंने एक पुतला जलाया जिसमें कि वो हमारा ही पुतला था उसकी फोटो तो ऐसी लग रही है मुझे जैसी है दाढ़ी वाढ़ी बनी हुई है तो ऐसा लगता है कि मेरा ही पुतला जला रहे हैं तो ठीक है उसमें कोई ऐतराज नहीं है जला ही सकते हैं तो इससे पता नहीं वो तो कद बढ़ाना चाहते हैं हमारा या जो भी है तो आ, ये खुशी हुई कि भाजपा के लोग कम अज कम जो है इस बहाने ही सही अपने पार्टी के अध्यक्ष के निर्देश पर सड़क पर आए तो सही चाहे वो इसीलिए आए क्योंकि वो वरना तो आपदा के पूरे समय में पिछले चौदह महीने में कुछ नहीं बोले पिछले छह महीने नहीं बोले तीन महीने नहीं बोले पर कम से कम आज उन्होंने इस पुतला जलाने के बहाने वो चौराहे पर आए और हमारा पुतला जलाते हुए उन्होंने कम से कम आपदा के बारे में कुछ बात तो की चाहे उनको लगा कि सरकार बहुत कुछ कर रही है यही कहा हमारी आलोचना ही की लेकिन उन्होंने आपदा को लेकर के ये माना कि जोशीमठ में आपदा है और इस आपदा में कुछ किया जाना चाहिए तो ये एक अच्छी बात है कि उनको लगने लगा है कि इस पर हमको भी कुछ कहना चाहिए चाहे हमारे खिलाफ ही सही भले ही ये आंदोलन जो है कम्युनिस्ट पार्टी का तो है नहीं और जिसका उन्होंने नारा लगाया उसके बारे में भी उन्हें पता नहीं मेरी पार्टी तो कुछ और है है ना अब क्या करें उनका तो सामान्य ज्ञान थोड़ा सा कमजोर है और हिंदी चीनी भाई भाई ये भी कह रहे हैं कि हमने नारा लगाया तो भाई ये तो महेंद्र भट्ट जी की सारी बात मान लेते हैं बेचारे महेंद्र भट्टी को भी नहीं पता इनको भी नहीं पता तो हिंदी चीनी भाई भाई, भाई तो कभी कम्युनिस्टों ने नारा लगाया ही नहीं नारा जो है ये वाला नेहरू जी ने दिया था बासठ से पहले तो अब ये बेचारे भाजपा वही नारा हम पर चेप दे रहे हैं तो दूसरा उनको कम्युनिस्ट पार्टियां कितनी है इस देश में उसकी भी जानकारी नहीं है और कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी क्या करती है तो अगर आप जो है राजनीति कर रहे हैं पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस देश के अंदर कितनी पार्टियां काम करती हैं वो कौन कौन सी पार्टियां हैं इसकी बेसिक जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए अब आपके अध्यक्ष को नहीं पता तो आपको भी नहीं पता है दिक्कत ये है कि वो इससे थोड़ा हमें बुरा लगा कि कम से कम हमारी अगर आप नाम ले रहे हैं तो हमारी पार्टी का पूरा पूरा नाम लें और जो संघर्ष समिति जिस आंदोलन को चला रही है वैसे तो हम लोग पार्टी के हैसियत से उसमें शामिल नहीं है हम लोग तो संघर्ष समिति के हैसियत से ही उसमें शामिल है और संघर्ष समिति के बारे में भी यह सर्वविदित तथ्य है कि यह है जो है 2004 से काम कर रही है और लगातार जोशीमठ के विभिन्न सवालों पर काम करती रही है और इस संघर्ष समिति में ही जिन लोगों ने आज पुतला जलाया वो भी शामिल रहे हैं वो आते रहे हैं और सड़क वाला आंदोलन हो या दूसरे तीसरे आंदोलन उसमें ये शामिल रहे हैं आते रहे हैं तो इसलिए इसको कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन बताना तो ठीक है वो उनका अपना वह है वो ध्यान भटकाने का मामला है और जो साथी इसमें शामिल हो रहे हैं कल तो यूकेडी वाले भी इसमें आए और बहुत सारे यूके डी के लोग लगातार उसमें पिछले तीन चार बार से आते रहे हैं अन्य लोग भी आ रहे हैं अब मुंबई से तो कोई नहीं आया जिसको भटजी कह रहे हैं जे से भी कोई नहीं आया हाँ मेरी बेटी जरूर जे में पढ़ती है लेकिन वो बेचारी वहाँ रह रही तो दिल्ली में ही है यहाँ भी नहीं है तो एक तो इनकी जानकारी बड़ी गड़बड़ है और अगर इनका इशारा इंद्रेश की तरफ है तो इंद्रेश तो जे से नहीं है है ना वो कर्णप्रयाग विधानसभा का चुनाव लड़ता रहा है कर्णप्रयाग में गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं और गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में सभी आंदोलनों में उत्तराखंड आंदोलन से लेकर के शामिल रहे हैं जब वो जो है उत्तरकाशी में पढ़ते हुए इंटर में ही पढ़ रहे थे तो उत्तराखंड आंदोलन में शामिल हुए और उसके बाद गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और उसके बाद भी इस देश में इस प्रदेश में जितने आंदोलन अभी जो घाट वालों का आंदोलन था उसमें शामिल रहे गैरसैंण राजधानी का आंदोलन था उसमें शामिल रहे कुमाऊं में दूध आंदोलन हुआ उसमें वो जेल रहे तो वो इस प्रदेश में चलने वाले पीड़ितों पीड़ितों बेरोजगारों के सभी आंदोलनों का हिस्सा रहे तो उनको बाहर वाला बताना तो ये मतलब तो गजब बात है अगर कर्णप्रयाग का आदमी और इस उत्तराखंड का आदमी बाहर का आदमी है वो अपने लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता तो ये तो गजब बात है तो महेंद्र भट्ट यहां कैसे विधायक बन सकते हैं वो तो पोखरी के रहने वाले हैं अगर पोखरी का आदमी यहां आकर के राजनीति कर सकता है जोशीमठ में तो कर्णप्रिया का आदमी क्यों नहीं कर सकता क्यों वो केवल कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए तो ये तो गजब बात है और जो है इंद्रेश मैखुरी अगर यहां आए तो इसलिए आए कि ये जो आंदोलन है इसके बहुत सारे पहलू हैं जिसको ये लोग तो नहीं समझते हैं इसमें एन से लेकर के और बहुत सारे जो अन्य पहलू हैं उसमें उन दस्तावेजों को देखना पढ़ना समझना समाचार पत्रों की जो जितने सारे अखबार हमारे पास हिंदी अंग्रेजी के आ रहे हैं उनको देखना उनमें क्या छप रहा है उनमें क्या आ रहा है उसमें अपडेट करना अपडेट रहना बहुत सारे अंग्रेजी चैनलों ने इस बीच बहस में हम लोगों को आमंत्रित किया तो बहुत सारी जगह मैं शामिल नहीं हो सकता था तो हमारी तरफ से कोई बोलने वाला चाहिए उसमें अगर ये हमारे जो पुतला जलाने वाले लोग थे ये अगर इस आंदोलन का हिस्सा होते तो शायद उन बहसों में ये जा सकते थे ये उसका हिस्सा बनते या इन दस्तावेजों को ये पढ़ते भले इनके कितने पढ़ पाएंगे तो अलग बात है लेकिन ये अगर उसमें शामिल होते उस आंदोलन में तो ये उन बहसों में टीवी की बहसों में जा सकते थे जिसमें इंद्रेश को जाना पड़ा वो, वो तो जबरदस्ती मैंने रुका हुआ है उनको कि ताकि वो इस सब में मदद करे क्योंकि मैंने बीच में लिखा था फेसबुक पर कि इतनी व्यस्तता हो गई है इस आंदोलन की वजह से कि मुझको एक सेक्रेटरी की जरूरत पड़ रही है तो इंद्रेश वहां से चले आए और वो जो है ये सारी मदद करते हैं बहुत सारे कामों में अखबार से लेकर के बहुत सारे दस्तावेजों को उसका हिंदी अंग्रेजी करने से लेकर के तमाम चीज़ों में जो कि हमको चाहिए क्योंकि देश दुनिया में क्या हो रहा है कहाँ क्या छप रहा है ये भी पढ़ना समझना हमारे आंदोलन और उसके दस्तावेज तैयार करना ये सब करना एक आंदोलन बहुत तरह से चलता है उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं अब इन लोगों को तो मालूम नहीं है हम लोगों ने तो कितने सारे वॉल्टियर्स को इस बीच बुलाया उन्होंने यहाँ सर्वे किया है ना उससे पहले जून में हमने स्वतंत्र वैज्ञानिकों से सर्वे करवाया तो जिनसे सर्वे करवाया वो भी इंसानी थे इसी उत्तराखंड के लोग थे अभी कह देंगे वो बाहर से आके सर्वे क्यों कर रहे हैं तो अब इन बातों का तो कोई जवाब नहीं दिया जा सकता और अगर आपके अंदर ये स्किल है कि आप इस आंदोलन में मदद कर सकते तो आपको आना चाहिए था मदद करनी चाहिए थी और हम तो पिछले चौदह महीने से इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप लोग जो है इस बात को सुने अपने सरकार तक ले जाएं लेकिन दिक्कत यह है कि वो आपकी सरकार तो ऐसी है कि उसने जो है आप ही के कार्यकर्ताओं को यहां घुसने नहीं दिया जब मुख्यमंत्री जी आए वो आपसे ही सीधे मुंह बात नहीं करते आपके मुख्यमंत्री आपके अध्यक्ष वो देखा है हमने सब कुछ है ना तो खैर इस पर ज्यादा वो नहीं है और तो इसलिए हमारे साथी लोग यहाँ आते रहे हैं आ रहे हैं और देश के विभिन्न हिस्सों से हम तो सबकी सॉलिडेरिटी की मांग कर रहे हैं कलकत्ता से लेकर के दिल्ली से लेकर जहाँ जहाँ लोग हमारे पक्ष में आवाज उठा रहे हैं हम उन सबका स्वागत करते हैं हमारा इनका तो ये कहते हैं कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव व कुटुम्ब कम कि जिनका उदार चरित होता है उनके लिए सारी वसुधा ही कुटुम्ब के बराबर है और तुम जो अपने ही इलाके के अपने क्षेत्र के लोगों के बारे में आपकी अगर ऐसी राय है ठीक नहीं है तो हम तो पूरे देश से ही अपील कर रहे हैं कि लोग इस समय में इस संकट की घड़ी में इस आपदा के समय में जबकि बहुत बुरी खबरें हमारे पास हैं जबकि बहुत आशंका के साय में लोग जीने को मजबूर हैं उस समय में पूरे देश के दुनिया के लोगों की सद्भावना उनकी सिंपैथी उनकी मित्रता उनका सहयोग उनका हौसला सबकी हमको ज़रूरत है और हम उसकी न सिर्फ उसकी मांग करते हैं वरना जो है हम उसकी अपेक्षा भी रखते हैं और हम देख रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है सरकार तो ये कर रही है कि वो एक जगह पहले लोगों को पटक रही है और फिर वहां से उठा के दूसरी जगह पटक दे रही है एक जगह पहले लोगों को रखा फिर वहां से उठा के दूसरी जगह रख रही है लोगों के अस्थाई जो हमने कहा था प्रीफेब बनाने का आज तक उसका इंतजाम नहीं हुआ अब केवल उसका फोटो डाला जा रहा है कि एक मॉडल बनने वाला है दूसरा मॉडल तैयार होने वाला है स्थिति यह है कि कुछ दिनों में जो है बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं तब बच्चे क्या करेंगे और वहाँ धरने पर बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याएं लेकर के आते हैं जिनको प्रशासन के साथ मिलकर के हम दैनंदिन तौर पर उनको हल करते हैं लोग इसलिए वहाँ आ रहे हैं लोग मुसीबत में हैं समस्या में हैं और वहां बहुत सारी उनकी दिक्कतों का जो है हल निकल आता है प्रशासन से बात करते हुए सरकार ने बात कर रही हो तो नीचे के स्तर के अधिकारियों के जरिए जो छोटी मोटी बातें हैं वो तो वहाँ हल हो ही रही हैं तो इसलिए उस आंदोलन की जरूरत है और आज भी जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि जिनको कि मतलब भूमि के सवाल पर कि लोगों के मकान और भूमि का बहुत सारे मसले हैं जो कि हल किए जाने हैं एक ही परिवार में दो दो तीन तीन भाइयों के अलग अलग उनके राशन कार्ड हैं उनके अलग अलग परिवार रजिस्टर है लेकिन उनको एक ही गिन दिया जा रहा है इसको कैसे हल करेंगे तो इसको हमने वहां रखा है कुछ लोग कल भी इस बात को कह रहे थे असल में सवाल हाँ वो तो ठीक है तो ये चीजें वहां हो रही हैं और कल आ, हमारा जो ज, आ, व्यापार मंडल था जोशीमठ का वो भी लोग जो है गए थे वहां मिलने मुख्यमंत्री से अभी अभी खबर आई है कि व्यापार मंडल के लोग जो मुख्यमंत्री से मिलकर के आए उनकी तरफ से हमको खबर मिली कि वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है ना उनको भी वैसे ही टकासा जवाब दिया गया जैसे कि हमको दिया गया था अब ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भाई सरकार सब कुछ कर रही है <clears throat> लेकिन जो ब्रीफिंग आई है उसमें तो कुछ नया तो कुछ है नहीं व्यापार संघ के लोगों का यह कहना था कि हमको जो है हमारा जो ऋण है उसमें माफी दी जाए तो पता चला कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई ऋण माफी तो छोड़ो हम केवल ब्याज माफी की बात किए थे और वो भी केवल एक बैंक से अब उसमें बात यह है कि अगर एक बैंक जो है कोऑपरेटिव बैंक का आप ब्याज माफ कर देंगे तो बाकी सबका खाता तो वहां है नहीं तो ये इस पर व्यापारियों में नाराजगी व्यापारी इस बात के लिए भी गए थे कि उनकी कुछ सहायता हो जाए लेकिन वो भी उनको आश्वासन नहीं मिला या बाईपास को लेकर के वो बात कर रहे थे उस पर भी कोई आश्वासन नहीं मिला तो इस तरह से हमारे व्यापार संघ के लोग भी निराश होकर के वहां से लौट रहे तो आपकी सरकार ये कर रही है आप यहाँ पुतला जला रहे हो अपने ही लोगों का अपने ही जोशीमठ शहर के वासियों का जिनके खिलाफ के आपके अध्यक्ष ने बयान दिया सबको माओवादी कहा सबको चीन का एजेंट कहा बाद में कहने लगे कि मेरी जुबान फिसल गई आज आप उसका स्पष्टीकरण दे रहे हो तो ये पूरे प्रदेश में पूरे देश में ये संदेश गया है कि आप लोग कर क्या रहे हो और क्या हो रहा है अगर ये आंदोलन नहीं होता तो जो हो रहा है वो भी नहीं हुआ होता अगर होने वाला होता तो तेरह चौदह महीने में हो गया होता हमको आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती और अभी भी हम कह रहे हैं कि आज भी इसी समय अगर आपके मुख्यमंत्री जो लोगों की जरूरत है उसकी घोषणाएं कर दें रात को ग्यारह बजे कल कोई धरने पर नहीं आएगा एक आदमी नहीं पहुंचेगा कोई कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से अतुल सती की वजह से धरने पर नहीं आ रहे हैं लोग. लोग इसलिए आ रहे हैं कि लोगों की मुसीबत है और उस मुसीबत को उनकी समस्याओं को उनकी जो दिक्कतें हैं उनकी जो मांगे हैं उनको हम स्वर दे रहे हैं उनको आवाज दे रहे हैं इसलिए लोग वहां आ रहे हैं यह आंदोलन जो है उन पीड़ितों की उन दुखित लोगों की उन आपदा से ग्रस्त लोगों की आवाज है ये आंदोलन इसलिए आंदोलन चल रहा है इसको समझने की जरूरत है और आपको भी इसमें शामिल होने की जरूरत है हमने तो कहा कि आप लोग इस आंदोलन को खत्म करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं अपने भविष्य को जो है अंधकार में डाल रहे हैं अपने बच्चों के भविष्य को क्योंकि ये आंदोलन सिर्फ वहां जो धरने पर आ रहे हैं उनके लिए नहीं आपके लिए भी है आपके बच्चों के लिए भी आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी है तो इसलिए इसको समझने की जरूरत है इस आपदा के समय में अपनी एकता को बनाए रखने की जरूरत है इस जोशी मठ को अगर आप ऐसे बांट देंगे पहले तो आप पूरा देश ही बांट रहे हो कभी हिंदू मुसलमान में कभी किसी तरह से कभी जाति के आधार पर कभी धर्म के आधार पर तो यहाँ मत कीजिए है ना इस तरह से आप केवल जो है नुकसान करेंगे पहले तो देश का किया अभी आप पूरे नगर का भी जो है इस तरह से ऐसा हर्ष कर देना चाहते हैं ठीक नहीं है ये इस सीमांत नगर के लिए अच्छी बात नहीं है यहां एकता बनाए रखने की जरूरत है लोगों को इस बात की जरूरत है इस समय कि उनके साथ खड़ा हुआ जाए है ना मिलजुल करके इस आपदा का शाम आपदा का सामना किया जाए तो ये कुल मिला के बात है प्रशासन तो बहुत ही ढीली और धीमी गति से है भले आज हमको संदेश आया था कि आपकी वार्ता करवा देते हैं ऊपर के लेवल पर तो हमने यही कहा है अगर वार्ता से कुछ निकलना हो तो पहले उसके ठोस तौर पर हमारे सामने मुद्दे रख दिए जाए और जब आप ठोस मुद्दे हमारे सामने ले आएंगे जिन चीज़ों पर बात होनी है तो हम हमारे दरवाजे हमारे हमेशा वार्ता के लिए खुले हुए हैं और हम तो जानते हैं कि आंदोलन का मतलब वार्ता ही होता है आंदोलन का मतलब सिर्फ आंदोलन नहीं होता आंदोलन का मतलब है समस्याओं को सुलझाना या उस हल तक पहुंचना तो उस हल तक हम पहुंचना चाहते हैं लेकिन आप साफ दिल से और सही इरादे से वार्ता में बैठिए और लोगों की समस्याएं दूर करने के लिए जो बातें हमने कही हैं जो सुझाव दिए हैं उन सुझावों पर अमल करने के इरादे से वार्ता में आइए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है तो हम फिर ये जो हमारे भाजपा के स्थानीय नेता हैं उनसे कहना चाहते हैं अपने अध्यक्ष के चक्कर में इस जोशी मठ का बुरा ना करें है ना वो तो बेचारा जहां पहुंचने थे पहुंच गए ना? वहां तक आपने तो पहुंचना नहीं है वो आपको जितना भी लालच दे लें वहां तक आप नहीं पहुंचेंगे लेकिन उनके इस घटिया और निम्न स्तर की राजनीति से आप इस नगर का यहां नगर के लोगों का बुरा जरूर कर देंगे वो मत कीजिए क्योंकि मैं तो आज आंदोलन खत्म कर देंगे हम लोग लेकिन ये सारा श्रेय आपके पास ऊपर जाएगा कि आपने जो है लोगों की मांगे पूरी होने वाली थी और उस समय बीच में आंदोलन रुकवा दिया और तब आपके सर पर ही आ जाएगा क्योंकि आप भी अपनी सरकार को जानते हैं हमसे बेहतर जानते होंगे भले वो तो लगता नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए जैसा कि आपके महेंद्र भटजी ने हमारे साथ किया वहां तो भाजपा के ही लोग थे जब हम मुख्यमंत्री जी के पास गए तो वहां तो ये लक्ष्मण फड़किया जी भी हमारे साथ थे भाजपा के लोग भी तो थे वहां तो क्या किया मुख्यमंत्री जी ने इनको पता नहीं क्या किया महेंद्र भट्टी ने क्या किया इनको मालूम नहीं है तो वहां थे देहरादून में हमारे साथ तो इसलिए या इससे पहले जब हम त्रिवेंद्र रावत जी के पास सड़क के मामले में गए थे तो थे नहीं क्या भाजपा के नेता वहां तो सब थे सबको मालूम है आपको अपने नेताओं की हकीकत पता है है ना हमसे ज्यादा पता होगी हम तो बाहरी तौर तो पर ही उनका चेहरा देखते हैं तो तभी इतना ही उनके भीतर भरी हुई चीजें दिखाई देती हैं तो आप तो अंदर से उनको जानते हैं तो इसलिए जोशी के लोगों के भले के लिए अपने नगर के लोगों के भले के लिए इस तरह इस तरह के क्षुद्र राजनीति के फेर में नफस है इससे कुछ हल होने वाला नहीं है और हम तो आपको भी आमंत्रित करते हैं सबको कि आइए मिलजुल करके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और अपने नगर के लोगों के भविष्य के लिए जो भी बेहतर हो सकता है उस पर हम मिलजुल करके लड़ सकते हैं तो यही हमारा कहना है दिन में भी हमने इस बात को कहा है ना कि आप अपने भविष्य पर कुल्हाड़ी न मारें, न लगाएं अपने भविष्य को न खत्म करें बल्कि मिलजुल करके इस आपदा से निकलने के रास्ते तलाशने की जरूरत है यही बात है बाकी जो प्रशासनिक हिल हवाली है ढीलापन है वो तो दिखाई दे रहा है और इसको लेकर के लोगों का आक्रोश भी लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए वहां धरने में संख्या कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है और अगले दो तीन दिनों में जब ये वार्ड का सबका चक्र पूरा हो जाएगा तो फिर हम लोग एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी करेंगे है ना क्योंकि मुझे हमको लग नहीं रहा है कि सरकार जो है अभी भी गंभीर है क्योंकि जिस तरह के बयान आ रहे हैं जिस तरह के सुझाव आए हैं वो कोई बहुत आश्वस्तकारी नहीं है तो इन्हीं बातों के साथ कि हम लोगों की एकता बनी रहेगी और आप लोगों का सहयोग आप लोगों का साथ हमको मिलेगा और वो हमारे हौसले को और दृढ़ करेगा और बढ़ाएगा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, अब हल्का कोई सवाल आप लोगों के नहीं हैं तो मैं जो हूं मैंने कल ये कहा था कि अब मैं अगर कोई विशेष किसी के कुछ प्रश्न होंगे तो मैं उनका जवाब दे दूंगा क्योंकि बीच में क्रम टूट जाता है तो कोई ऐसा सुनने में आ रहा है अपने पद के अब पता नहीं अजय भाई हटने वाले नहीं हटने वाले हमने तो बर्खास्त करने की मांग की है आप और के सामने ये लोग कुछ भी नहीं ठीक है वो तो हमने तो उनको इसीलिए बुलाया था कि वो हमारे सहयोगी कर रहे थे अब इन लोगों को अगर उनसे परेशानी हो चले जाएंगे तो हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या कर पाएंगे उनकी जगह पर हाँ क्या करें यशपाल भाई तो बात है ही आपके पास कुछ सवाल हो तो मैं उनका जवाब दे सकता हूँ क्योंकि कल एक साथी ने यहाँ लिखा था कि आप सवाल नहीं ले रहे हैं तो मैं इसलिए नहीं लेता हूँ क्रम टूट जाता है उसका बातचीत का अगर कोई सवाल आपका हो तो आप पूछ सकते हैं मैं उनका जवाब दे दूंगा चलिए धन्यवाद ठीक 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 है साथियों फिर, कल फिर आठ बजे मुलाकात होती है आप कोई जिज्ञासा आप लोगों की ऐसी दिखाई नहीं दे रही है तो मतलब सवाल को लेके तो ठीक ओके शुक्रिया नमस्कार